अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे बटर मिल्क पैनकेक। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मगर खाने में ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब जब स्कूल खुल रहे हैं तो आप इसे ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं और लंच बॉक्स में भी इसे बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए इस सुपर डिलीशियस रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कप मैदे का आटा लेना है, इसे हमें छान लेना है। तो हमने इसको छान कर पहले ही रख लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। शुगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। नमक जाएगा इसके अंदर और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसके अंदर जाएगा 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसे एक साइड पर रख देना है। अब हमें एक दूसरा बाउल लेना है और उसके अंदर हमें डालना है 2 कप बटर मिल्क। बटर मिल्क अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, 1 कप दही लेनी है और 1 कप आपने लेना है पानी। इन दोनों को अच्छे तरीके से बीट करना है और इस तरीके से जो है आपका बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस और इसके साथ ही जाएंगे इसके अंदर 2 अंडे। अब हमें इसे मिक्स करना है। अब हमें क्या करना है, ये लिक्विड वाला बैटर इस ड्राई वाले इंग्रेडिएंट्स में मिला देना है। इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा 3 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर। अब हमें ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स हमें बहुत देर तक इसे नहीं करना है, ओवर मिक्सिंग इसे बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इतना करना है कि ये आपस में सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। देख सकते हैं सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने एक पैन लिया है, गैस की फ्लेम को ऑन करना है। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल नहीं है तो सिंपल सा ऑयल में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे बटर में भी बना सकते हैं। अब आपने क्या करना है, कोई भी स्पून लेना है, स्पून में हमें ये बैटर डालना है और जो हमने पैन में ऑलिव ऑयल गरम किया है उसमें हमें इसे डाल देना है। बैटर हमारा बहुत ज़्यादा थिक है तो आपने स्पून से इसे फ्लैट कर देना है। अब स्लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, इतना आपने पकाना है कि एक तरफ से बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो देखिए अभी इसके ऊपर जो है वो गोल्डन सा कलर नहीं आया है, तो अब हम इसे और पकाएंगे। और जैसे ही आपने देखा कि इस पर गोल्डन सा अच्छा सा कलर आ रहा है, आपने इसकी साइड को चेंज करना है, फिर आपने इसे 1 मिनट के लिए और स्लो फ्लेम पर पकाना है। बहुत ही फ्लफी सा और बहुत ही यमी सा ये पैनकेक बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं कितना फ्लफी बन रहा है। तो देख सकते हैं दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर आपने दूसरा वाला भी इसी तरीके से बना लेना है। थोड़ा सा स्पून में बैटर लेना है, पैन में डालना है, थोड़ा सा फैला लेना है, एक तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, साइड को चेंज करना है, दोनों तरफ से हमें गोल्डन ब्राउन इसे पकाना है। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है और साथ ही साथ ये जो है बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर बनाइए। अब आपने क्या करना है, जो भी आपका बैटर बच जाए आपने एक कंटेनर लेना है, उसके अंदर देना, उसे फ्रिज में रखना है। आप इसे नेक्स्ट डे भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे फ्रिज में रख देंगे। जब भी आपके बच्चों को भूख लगे आपने इसे बाहर निकालना है और उसी तरीके से आपने इसे बना लेना है। तो यहाँ पर हमने लिया है मेपल सिरप, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह हनी भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी है। इसके साथ हमने कुछ फ्रूट्स लिए हैं, ब्लूबेरी है, कीवी है, अगर आपके पास ये नहीं है आप इसके अंदर डाल सकते हैं बनाना। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ज़रूर बनाइए, मुझे अपने फीडबैक दीजिए। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।